म्यूजिक कंपोजर और सिंगर वाजिद खान के निधन की खबर से हर कोई सदमे में है। 42 साल की उम्र में वाजिद ने इस दुनिया का साथ छोड़ दिया, दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे वक्त से किडनी की समस्या से वाजिद जूझ रहे थे। कुछ दिन पहले उनकी हालत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाजिद का वहां निधन हो गया। बताया ये भी गया कि अंतिम समय में वाजिद को कोरोना वायरस हो गया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। आपको बता दें, वाजिद हर किसी के दिल के बेहद करीब थे। सेलेब से लेकर आम लोगों तक ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी, और सलमान के साथ वाजिद का रिश्ता बेहद अलग था। इंडस्ट्री में साजिद वाजिद की जोड़ी और सलमान खान की दोस्ती के चर्चे हमेशा रहे। वाजिद सलमान को अपना गॉड फादर मानते थे। कई इंटरव्यू में इस बात का जिक्र वो कर चुके थे। आपको बता दें, साजिद वाजिद की जोड़ी ने सलमान की फिल्म गर्व तेरे नाम, तुमको ना भूल पाएंगे, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, वांटेड, हेलो गॉड तुसी ग्रेट हो, वीर, दबंग, एक था टाइगर, इन तमाम फिल्मों में दमदार म्यूजिक दिया। वाजिद जाते जाते भी सलमान के साथ अपनी दोस्ती निभा गए। उनके करियर का पहला गाना भी सलमान के लिए था और आखिरी गाना भी। सलमान खान के यूट्यूब चैनल से तो जो गाने कोरोना वायरस के बीच रिलीज किए गए हैं, यानी भाई भाई और यार करो ना, इसके लिए म्यूजिक साजिद वाजिद ने ही दिया है। वाजिद हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने इंटरव्यू में सलमान खान के प्रति अपने प्यार का इजहार उन्होंने हमेशा किया। प्यार किया तो डरना क्या से सलमान ने ही साजिद वाजिद को ब्रेक दिया, और साजिद वाजिद हमेशा सलमान को अपना गॉडफादर मानते रहे। इंटरव्यू में वाजिद खान ने कहा कि सलमान मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। सलमान के लिए वाजिद खान की मोहब्बत जग जाहिर थी। पूरी इंडस्ट्री जानती थी कि सलमान और वाजिद का साथ कभी नहीं छूटेगा। इसी वजह से इस जोड़ी ने सलमान की कई फिल्मों में म्यूजिक दिया। वाजिद खान के चले जाने से बड़ा झटका सलमान को भी लगा है, लेकिन सलमान ने अपने पोस्ट के जरिए साफ कहा है कि वो वाजिद को हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।